नमस्कार दोस्तों। कल तक हम अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपाते थे, आज हम मौत के आंकड़ों को छुपा रहे हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि अर्थव्यवस्था चकाचौंध में डूबी हुई है। आज की परिस्थिति में हमें छुपाना पड़ रहा है कि इस देश के भीतर में दवाई ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है, हर जगह कतार लगी हुई है। चाहे दवाई चाहिए, चाहे अस्पताल के बेड की जरूरत है, चाहे ऑक्सीजन की जरूरत है, या फिर शमशान में जलते हुए शवों को गिनना शुरू कर देंगे तो शायद सरकार के आंकड़ों के वह पार निकल जाएगा। हर चीज इस देश में छुपा कर परोसी जा रही है और इस परिस्थिति के भीतर में शब्द बेअसर हो चले हैं। इस देश के भीतर के संस्थान अपनी साख को खत्म कर चुके हैं। इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं की अपनी जमीन खोखली हो चली है। इस देश के भीतर में कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर की जो परिस्थिति है वो डराने वाली है। सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है, इस अंधेरी अवस्था के बीच में क्या किसी के पास कोई रोशनी बची है जिससे उम्मीद यह देश लगा सके, या फिर किसी की साख ना बचे एक ऐसी परिस्थिति को लगातार खड़ा कर दिया गया है। और परत दर परत अगर परिस्थितियों का आकलन कीजिएगा तो चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश के भीतर में अदालतें हो, चाहे इस देश की बैंकिंग सर्विस हो, चाहे इस देश के भीतर में चुनाव आयोग हो या फिर मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे इस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, आपको नजर नहीं आएगा कि किसी की साख इस रूप में बची हो जहां पर उसकी तरफ उम्मीद और आस लगाकर देखा जा सके। हां, यह वो शख्स है या इसके पास वह सिस्टम है जिसके जरिए इस देश में कोई उम्मीद जगाई जा सकती है। किसी भी क्षेत्र को लेकर अगर ऐसी परिस्थितियां इस देश के साथ लगातार घटित हो रही है और सवाल बढ़ते बढ़ते लोगों की मौतों की संख्या पर आकर टिक गया है, लोगों को मिलने वाले ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं, इस देश के भीतर में अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, सत्ता के जरिए वेंटिलेटर ऑक्सीजन और जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में उठाए गए कदम थे वह सभी अगर झूठे साबित हो रहे हैं तो फिर आपके पास क्या बचा है। और अगर कुछ भी नहीं बचा है तो आज इस सिलसिले को कहां से शुरू करें। ये सवाल इसलिए है क्योंकि दुनिया के 17 देशों के सामने हमने झोली फैलाई है, यह कहकर दुनिया भी मदद करने पर अब बेबस भी है और उसके सामने एक मुश्किल हालात भी है। क्योंकि जिस महामारी से भारत दो दो हाथ कर रहा है, दुनिया इस बात को लेकर चिंतित भी है। अगर यहां की परिस्थितियों से बात आगे निकली तो फिर कौन कौन से देश इसकी चपेट में आएंगे और क्या वाकई भारत दुनिया के सामने कल तक सबसे बड़ा बाजार होगा। लेकिन आज की तारीख में यह महामारी का एक ऐसा बाजार है जहां पर जिसे जितनी जिस रूप में जो भी चीजें खपानी है वो खपा सकता है। शायद इसीलिए भारत में ब्लैक मार्केटियर भी है, शायद इसीलिए भारत के भीतर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी खरीद फरोख्त के लिए अलग अलग तरीके से राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक संस्थान हो, या फिर इस देश के भीतर में राहत ना दे पाने का एक सिस्टम हो, सब कुछ फेल क्यों लगने लगा है। हमें लगता है बात आज उन शब्दों से शुरू की जाए जो बेअसर हो चले हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि इस देश में किसी राज्य का जज इस देश के चुनाव आयोग को मर्डरर कह दे और कहे कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इसने लोगों की जान चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं हथेली पर रखकर उन्हें एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जहां उनको मौत आएगी ही। सामान्य स्थिति में ऐसे शब्द चुनाव आयोग को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस शब्दों का असर की उम्र सिर्फ 24 घंटे रही। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जब इस बात का जिक्र किया, कोई भी अगर ऑक्सीजन टैंक को लूटता है उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, इसकी उम्र चंद घंटों तक रही। इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर यहां तक कहना पड़ा कि दरअसल जब आप अस्पताल में मरीजों को दाखिल कराते हैं
तो आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट उसके पास है या नहीं, यह नहीं देखिए, यह देखिए कि इलाज कैसे हो। लेकिन बावजूद इसके, इसकी उम्र भी चंद मिनटों में रही, यानी शब्द बेमानी हो गए। और यहां से उसके आगे की परिस्थिति शुरू होती है, जब शब्द बेमानी हो जाएं तब संस्थानों की गरिमा खत्म हो जाती है। और संस्थानों की गरिमा अगर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और सिस्टम अगर कोलैप्स कर गया है तो उस सिस्टम को दोबारा कैसे डेवलप किया?